अभी हम लोग जा रहे हैं बारबेक्यू करने, देखते हैं कैसा सेटअप है। मुझे बारबेक्यू की खुशबू यहीं से ही आ गई है, देखते हैं कैसा है। हाँ ऐसा अंकल माहिर अंकल ये लो, ये मक्खन डाल दे। ओहो अबे यार बहुत काम है अब्बा, दो तीन चलिए लगाओ तो जीतेंगे। लो ये लगाओ, पहले ये डालो मक्खन का, इधर इधर माशाल्लाह। क्या अंकल फिर सब तुमने किए? मसाला भी नहीं लगाया, शेक भी नहीं लगा। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी बनने वाला है। हाँ देखो हमारा सेटअप कितना अच्छा है, वही तो एकदम मस्त लग रहा है, हवा भी एकदम मस्त चल रही है। हवा चल रही है, कहीं जाने से पहले घर पे करा हुआ अच्छा लगा। हां ना सही बोल रहे, वो देखो उसकी चिल्ला रहे मम्मी। ले भाई तू खा ले ना, शुरू हो गया। नहीं देखो, अरे मुझे दे, हां दे बैठ जा। बैठती ब्रश मंगाना था यार, ले फायदा। क्या हुआ? हाँ थैंक यू मायरा दीदी, ले लो बैठ जाओ बैठ जाओ, शुरू करो। बैठ तू भी पापा के साथ में। इब्राहिम नीचे आके बोला मम्मी सेटअप तो बहुत जबरदस्त है ना? बैठी है ना, रुक जा मेरे साथ बैठ जाना। मैं भी उधर ही था स्टोरी के लिए आया था। बस देने वाले ये फिर अल्फिया हेलो, कैसा है भाई? क्या मसाले मैरिनेट किए? आपने खाया? आपको नहीं? अभी तो मैंने नहीं खाई, पर ये लोग खा रहे रिव्यू। कैसा है? पार्लर वाली का रिव्यू दे रहे बताइए कैसा लगाया, कैसा बनाया हमने? अच्छा है ना, बटर लगाए तो अलग ही टेस्ट आ रहा है। मेरे पापा को रिव्यू दो, मेरे पापा के मैंने दी साली पलटू डिफरेंट है। देखो मेरी मेहनत नहीं नजर आ रही है? नहीं मेरी बाजी बहुत मेहनत कर रही है, मैंने कुछ भी चीज बेकार है, वैल्यू नहीं अपनी। बड़े वाले सरिये में लगा बेटा, तो उसमें घूमेंगे नहीं, उसको निकाल ले। अच्छा ये पापा रुको ना, मैंने क्या बोली है सोनी बाजी, मेरे बच्चे को संभालेगा तू? मैं अरे मेरे घर में है ना, मेरे बच्चों को बच्चों ही चाहिए, छोटे छोटे बच्चे। मेरे पास बहुत के हैं बच्चे संभालेंगे। तुम्हारे वहाँ पे रिज्यूम आ रहा है, आफरीन रिव्यू दो भाई। कैसा है? अच्छा लग रहा है।
सिक्का सिक्का क्या ये ग्रीन वाले का भी आ रहे पाइपलाइन में देख पाइपलाइन में देख पाइपलाइन में वो स्कीम दी गरीब असलम असलम बटर चिकन असलम चिकन लकी बटर चिकन लकी है मतलब एक नहीं नहीं अच्छा यहाँ की लकी तो दिल्ली वाला असलम है ना फेमस यहाँ सब कुछ फेमस है दिल्ली वाले का अच्छा टेस्ट है हाँ खाया हो दिल्ली का अभी वो इतनी बड़ी सीख नहीं देगा ना यार नहीं नहीं मजा उसकी ये नहीं लोग पी भी नहीं रहे सो गाइज अब हम लोग निकल चुके हैं एक्चुअली हम लोग निकले थे दोपहर में और अब हम लोग को रात होने आई है हम लोग पहुँचेंगे अब कुछ टाइम में बट फाउंटेन होटल के पास काफ़ी ट्रैफिक मिलता है तो देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है क्या होता है प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा लकी टू हैव ढाबा इन चिलफाटा मतलब चिलफाटा पे जो ढाबे है ना लकीली हम लोगों को खाना मिल गया था हम लोग को पहुँचते पहुँचते रात के 3:30 हो गया था और हम लोग बहुत भूखे थे तो हम लोग को ये ढाबा मिल गया वो बोला मिल जाएगा खाना तो हम लोग यहाँ बैठ गए। हे फ्रेंड्स तो मैं सूरत का सफ़र करके आ गई और हालत मेरी हो गई है ख़राब गाड़ी ने भी धोखा दी एसी बिल्कुल नहीं चला उसका उसकी प्रॉब्लम हो गई है कुछ तो भी लीकेज हो गया क्या हो गया पता नहीं एंड टाइम पे और ट्रैफिक बाप रे ट्रैफिक इतना ख़तरनाक था कि हम लोग 4 बजे से निकले थे अभी रात के 2:30 बजे पहुँचे बाप रे मैं पसीने में तर बतर हूँ देखो ऐसा लग रहा है कब घर जाऊँ और कब मैं शावर लूँ बहुत परेशान हो गए फाइनली पहुँच गए मम्मी के घर के पास क्योंकि लोग सामान रखने गए तो मैं यहाँ बैठी हालत तो देख ही सकते आप तो ये था मेरा सूरत का जर्नी वाला व्लॉग जैसा भी था जो भी था मैंने सब ऐड वैड करके आपको व्लॉग दिखाई हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब ज़रूर करना मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में बाय।